श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तश्च नियंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् पदित पावन शिल गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण आठवां स्कंद तीसरा अध्याय। हम यहां पर सुन रहे हैं कि जब उस घड़ियाल ने, उस मगरमच्छ ने, उस क्रोकोडाइल ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र अपने आप को छुड़ा ना सका, उनके साथी उनको छुड़ा ना सके, असहाय अवस्था में मौत के मुंह में जाता अपने आप को देख गजेंद्र ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? उसने अपने मन में, बुद्धि में यह सोचा कि मैं इतना ताकतवर, सारे जंगल के जानवर मुझसे भयभीत होते थे, और आज मैं इस असहाय अवस्था में, ये कालूपी मगरमच्छ ने मुझको पकड़ लिया। अपनी तरह से पूरी कोशिश कर ली मैंने, मैं इसको छुड़ा नहीं पा रहा हूं। मेरे साथियों ने कोशिश कर ली, मुझे छुड़ा नहीं पाए। मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। कल हम सुन रहे थे कि अगर हम भगवान का भजन करते हैं और किसी कारण से हमको सिद्धि नहीं मिलती है, पूरी मंजिल नहीं मिलती है और आधे में हम रुक जाते हैं, तो भजन बेकार नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हमको चांस मिलता है तो हम वहीं से भजन शुरू करते जहां से हमने शुरू करना है, यानी कि जहां पर पिछला हमने छोड़ा था। हमारे पूज्यवान निष्किंचन जी महाराज कहते हैं, आप कोई चिट्ठी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, लेटर लिखते लिखते आपका फोन बज गया और आपने फोन उठाया और फोन सुनने लगे, फोन अटेंड करने के बाद जब फोन रखा तो आप चिट्ठी दोबारा से थोड़ी लिखोगे, जहां तक लिख ली है उससे आगे लिखोगे। इसी तरह से भगवत भक्ति में नेहा विक्रम नाशोस्ति, इसका अभिक्रम खत्म नहीं होता है। जहां तक भजन कर लिया वहां तक वो हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ आदतें ऐसी डालनी चाहिए जिनको अच्छी आदतें बोलना चाहिए, यानी कि राधे राधे बोले, हरे कृष्ण बोले, जय श्री राम बोले, जय सीताराम बोले, जय राधे श्याम बोले, कुछ न कुछ भगवान के नाम की आदत डाल लें ताकि संस्कार हमारे अच्छे बनते चले जाएं। वैष्णवों के साथ बैठकर हरि कथा सुने, हमारी विचारधारा अच्छी बन जाए। किसी कारण से हमारी सिद्धि नहीं भी हुई, इसी विचारधारा के साथ, इसी मनोवृत्ति के साथ, इसी बुद्धि की सोच के साथ हम अगला जन्म लेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। खैर, जो गजेंद्र था वो पिछले जन्म में एक राजा था जिसका नाम श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी जी कहते इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणा, भगवान का भक्त था और उनका नाम था इंद्रद्युम्न। और उसका भजन करते 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 उसका संसार से ऐसा वैराग्य हो गया था, सारे संसार को छोड़कर, और उसने क्या किया, मलय पर्वत पर जाकर एक कुटिया छोटी सी बनाई, वहां पर अपना भजन करता रहता था। सिर पर लंबी लंबी जटाएं हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, हर समय तपस्या में लीन रहते हैं।
एक दिन क्या हुआ कि अगस्त मुनि जी बिना कोई इंफॉर्मेशन के अपने शिष्य मंडली से वहां पर आ गए। महाराज इंद्रद्युम्न उस समय तपस्या में ली, उन्होंने बोला कि मैं यहां पर आया हूं, मैं इतना बड़ा ऋषि हूं और ये मेरे स्वागत सत्कार के लिए कुछ नहीं कर रहा। उससे क्या हुआ, ऋषि चुकोपा क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और उन्होंने क्या किया, तस्मै इमं शापम अदात, उन्होंने अभिशाप दे दिया कि तू हाथी की तरह यहां पर बैठा हुआ है, हैं? मैं अगस्त इतना बड़ा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आया हूं और मेरे एक स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं तुझको अभिशाप देता हूं, यथा गज स्तब्धमति सैव, तुम हाथी बन जाओ। इतने बड़े ऋषि ने अभिशाप दिया तो वो हाथी बन गया, यही हाथी गजेंद्र। लेकिन इंद्रद्युम्न जीवन में, अपने मानव जीवन में उन्होंने जो भगवान का भजन किया, भगवान के बारे में जो उनकी विचारधारा थी, भगवान के बारे में जो उनकी सोच थी कि भगवान रक्षा करता है, पालन करता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अनहोनी को भी होनी कर देते, वे असंभव को भी संभव कर देते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिससे भगवान अपने भक्तों को निकाल ना सके, बस शरणागत होने वाली बात है। ये जो विचारधारा, ये विचारधारा उनकी रही और यही विचारधारा आज जब ग्रह ने उनको पकड़ा तो विचारधारा याद आई और वो पिछले जन्म में जो स्तव करते थे वही स्तव करने लगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। कहते हैं स्वयंभू प्रभो, प्रपद्ये मैं आपकी शरण में जाता हूं, क्योंकि ये जितना भी जगत है, यस्मिन् इदम्, ये जितना भी जगत है, ब्रह्मांड है, दुनिया है, यतश्च इदम्, ये जो विराट विश्व बना हुआ है, येने इदम् या इदम् स्वयं, ये जिस इस सारे विराट संसार का कारण जो भी हैं परम पुरुष, मैं उनकी शरण में जाता हूं। His divine grace श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने प्रवचन में अक्सर हमें ये बताते रहे हैं, शरणागति इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जितनी भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का, दुनियावी तमाम समस्याओं का, आध्यात्मिक तमाम समस्याओं का एक समाधान है और वो है शरणागति भगवान श्री हरि के चरणों में। His divine grace श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब ये गजेंद्र की स्तुति की व्याख्या करते हैं इसी कार्तिक मास में, तो वे अक्सर बताते हैं गजेंद्र भगवान के बारे में बोल रहा है, भगवान की क्वालिटीज के बारे में बोल रहा है, भगवान की जो स्थिति है उसके बारे में बोल रहा है, नाम नहीं ले रहा है, नाम नहीं ले रहा है, उन्हें भगवान का नाम नहीं लिया, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, हे नरसिंह भगवान, हे वामन भगवान, भगवान का नाम नहीं लिया,
क्वालिटीज के आधार पर उनके गुणों की वर्णना कर रहा है, पर भगवान चंद्रयामी सब समझते हैं कि ये किस लिए वर्णन कर रहा है, भगवान श्री हरि आए वहां पर। कहते हैं ये जो धरातल है, ये जो दुनिया है, जिनसे ये आई हुई है, जिन पर ये टिकी हुई है, और जो इस दुनिया के एकमात्र कारण है, मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। इस दिवान के से भी कहा करते थे, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती यत प्रियम अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञास तदेव ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है, वो जो परब्रह्म है, ये सारे जितने प्राणी हैं, यतो वा वहीं से ही आए हैं और उन्हीं से ये संरक्षित हैं और अंत में गति उन्हीं पर ही है। ये जीव, ये जगत सबके कारण वही हैं। कहते मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्ण।